जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बस अब कुछ ही दिनों में यह पवित्र पावन श्रावण मास खत्म होने वाला है और इस पवित्र माह में हम सब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी भोलेनाथ को प्रसन्न करने की, उन्हें मनाने की, अपनी मनोकामना पूर्ति की, उनसे प्रार्थना की, सब कुछ किया। पर अगर हमसे कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई है या हम कोई उपाय नहीं कर पाए हैं, तो क्यों ना इन बचे हुए दिनों में हम कुछ ऐसा करें जिससे कि प्रभु हमारी विनती स्वीकार करें और हमारी मन की इच्छा शीघ्र पूर्ण करें। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ प्रदोष व्रत की। 9 अगस्त को सावन मास का अंतिम प्रदोष व्रत है और यह मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष भी कहते हैं। दोस्तों, भौम प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष के कारण विवाह योग टल रहा है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किसी भी कारण से आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और आप चाहते हैं कि आपके विवाह में आ रही ये बाधाएं समाप्त हों और आपका विवाह इस वर्ष हो ही जाए, तो दोस्तों इस दिन यह उपाय करने से मत चूकिएगा। तो दोस्तों, इस दिन यह उपाय करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। बहुत ही सरल छोटा सा उपाय है, अवश्य कीजिएगा। आपको उपाय आगे बताऊं उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो में, इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए जानते हैं उपाय में आपको करना क्या है। प्रदोष के दिन शाम को, प्रदोष काल में पूजा का अत्यधिक महत्व होता है, तो आप शाम के वक्त भोलेनाथ के मंदिर जाएं, उन्हें धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। सबसे पहले जल जिस तरह से शिवलिंग को पे अर्पित किया जाता है, उम्मीद करती हूँ आप सब जानते होंगे, पहले गणपति जी पे, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर अशोक सुंदरी गौरी माता, और उसके पश्चात जो शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी होती है जिसमें उनकी पांचों पुत्रियाँ होती हैं, उनमें जल अर्पित किया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर। और दोस्तों, भौम प्रदोष है इसलिए उन्हें लाल चंदन मिश्रित जल चढ़ाएं। लाल चंदन डालना है आपको, कुमकुम नहीं। कुमकुम अलग होता है, लाल चंदन अलग होता है। अगर लाल चंदन नहीं है तो कुमकुम ना डालें। अगर लाल चंदन उपलब्ध हो जाए आसानी से, अभी आपके पास वक्त है, तो आप लाल चंदन ही डालें। तो लाल चंदन मिश्रित जल अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य में लाल चीज़ों का प्रसाद लगाएं, अगर नहीं है तो गुड़ अर्पित करें, और उसके पश्चात 7 बार लाल मसूर की दाल, जो छिलका रहित होती है, वो लाल रंग की होती है, वो 7 बार एक एक चुटकी करके अर्पित करें। जितने भी दाने आ जाएं आपकी चुटकी में, 7 बार अर्पित करें। और दोस्तों, इसके पश्चात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको ये समस्त विधियां करनी है और मन में अपने विवाह की कामना करते हुए भोलेनाथ के इस मंत्र का जाप करते रहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों, ये सब करने के पश्चात धूप दीप और कपूर, ये तीनों चीज़ होने चाहिए। धूप भी जला दीजिए आप, और कपूर से अगर आप किसी खास मनोकामना की पूर्ति हेतु पूजा करते हैं तो कपूर अवश्य ही जलाना चाहिए। तो कपूर और दिया, सब ये तीनों चीज़ जलाएं और इससे प्रभु की आरती करें। उसके पश्चात उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि आपसे प्रभु की आराधना में जो भी त्रुटियाँ हो गई हों उसके लिए प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता आपकी आराधना कैसे करनी, पूजा की विधि नहीं जानती, मंत्र नहीं जानती, इसलिए मैंने जो भी त्रुटिपूर्ण अपूर्ण आराधना की है, कृपा कर आप इसे पूर्ण कर शुद्ध कर स्वीकार करें और मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरे विवाह में जो विलम्ब हो रहा है, जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो ग्रह दोष बाधाएँ हैं, कृपा कर उन्हें दूर करें और मेरे शीघ्र विवाह का योग बनाएं। प्रभु, मेरे विवाह में बहुत विलंब हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि इस वर्ष मेरा विवाह संपन्न हो जाए। मैं, मेरा परिवार, सभी कोई बहुत परेशान है, कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। इस तरह से उनसे प्रार्थना कर अपने घर को वापस आ जाएं। दोस्तों, एक बार मंदिर से बाहर निकल कर पलट कर
वापस से शिवलिंग की तरफ अवश्य देखें और भोलेनाथ से एक बार पुनः कहें कि प्रभु मैं जा रही हूँ, मेरी विनती अवश्य ही स्वीकार कीजिएगा, और इसके पश्चात ही घर जाएं। दोस्तों, भौम प्रदोष का बहुत अधिक महत्व है, ऊपर से ये सावन के महीने का भौम प्रदोष है, तो इस दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, इस वर्ष तो आपका विवाह निश्चित है। उम्मीद करती हूँ आप सबको उपाय अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी परेशानी का हल अवश्य बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।